बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी हम हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम आपके लिए जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है टॉप 5 खबरों का, यह हर रात 8 बजे आपको एपिसोड से पहले ही वो अनसुनी बातें बता देता है जो शो से रिलेट करती है। जो खबर आपको कहीं और नहीं मिलती है वो सिर्फ आपको यही मिलती है। तो आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज की टॉप 5 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं इन खबरों के बारे में। तो बिग बॉस सीजन 13 से जो पहली खबर सामने आ रही है वो है वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स को लेकर। दिवाली का ये हफ्ता चल रहा है और ये फर्स्ट फिनाले का पहला हफ्ता है और फिनाले के बाद घर में होने वाली है वाइल्ड कार्ड एंट्रीज और उनमें एंट्री देंगे खेसारी लाल यादव, हिंदुस्तानी बहू के नाम से जाने जाने वाले यूट्यूबर कोयना मित्रा, अरहान खान, तहसीन पूनावाला। ये जल्द ही बिग बॉस के घर में एंट्री लेंगे, लेकिन एक एक करके, क्योंकि इनका स्केड्यूल फिलहाल बिजी है और जैसे जैसे ये फ्री होंगे वैसे वैसे इनकी घर में होगी एंट्री। इसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो घर के अंदर से है, वो ये है कि शहनाज और देवोलीना के बीच में हो गई है फिजिकल फाइट। दरअसल घर में जो सांप सीढ़ी वाला टास्क चल रहा होता है उसमें गुस्से में आकर देवोलीना शहनाज की सीढ़ी तोड़ देती है और फिर शहनाज देवोलीना की सीढ़ी तोड़ देती है और इस बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और देवोलीना कीचड़ उठाकर शहनाज के मुंह पर फेंक देती है एंड देन उनके बीच में हो जाती है एक फिजिकल फाइट। इसी को लेकर एक खबर सामने ये आ रही है और वो खबर ये है कि वीडियो में जैसा दिखाया गया है कि देवोलीना ने शहनाज को थप्पड़ मारा है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ टीआरपी के लिए मेकर्स की एक ट्रिक है। शहनाज को उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा है, उन्हें बस कीचड़ उठाकर फेंक के मारा है। उसे इस तरीके से एडिट किया गया है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि उन्होंने वाकई में शहनाज को थप्पड़ जड़ दिया है। उसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो है शो के होस्ट सलमान खान को लेकर। बिग बॉस ने एक ऐसा प्रोमो जारी किया था जिसमें सलमान खान गुस्से में आकर मेकर्स से कहते हैं कि किसी और को बुला लो जो ये कर सकता हो, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उनके शो छोड़ने को लेकर कयास लगाए जाने लगे, लेकिन अब शो से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि सलमान खान बिग बॉस जब तक चलेगा तब तक इस शो को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें बिग बॉस के लिए एक अच्छी खासी मोटी रकम दी जा रही है। उन्हें शो नेगेटिव लगता है और इस शो की नेगेटिविटी की वजह से उन्हें परेशानी होती है, लेकिन फिर भी वो ये शो नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो है सांप सीढ़ी वाले टास्क को लेकर। ये टास्क एक दिन में ही खत्म नहीं होने वाला है, ये टास्क थर्सडे तक चलेगा और उसी दिन इस टास्क का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 5 खबरें जो कि आपको एपिसोड आने से पहले ही अपडेट कर देती है कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो इसी तरह से आप हर रोज रात 8 बजे ये टॉप 5 खबरें रोजाना देख सकते हैं और बिग बॉस के स्टेटस सीजन से जुड़ी ऐसी की ओपी के डेली खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।